हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके भी स्मार्टफोन पे कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है इमरजेंसी अलर्ट करके? तो फ्रेंड्स, इसका क्या रीजन है और ये क्यों आ रहा है आपके स्मार्टफोन पे, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ ये बताएंगे कि कैसे इसे ब्लॉक कर सकते हो, यानी कि बंद कर सकते हो इस मैसेज को आने से अपने स्मार्टफोन पर। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार इस तरीके से इंग्लिश में आएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नोटिफिकेशन इस तरीके से हिंदी में भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया है, ये एक नमूना परीक्षण संदेश है, कृपया इस संदेश पर ध्यान ना दें क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को जांचने हेतु भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपदा स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यह कह रहा है कि जो गवर्नमेंट होती है उसने आपको दूरसंचार द्वारा विभाग जो होता है ब्रॉडकास्टिंग, वो आपको अलर्ट करने की, जैसे कि नहीं होता फ्रेंड्स कि बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है, तो उस समय भारत सरकार द्वारा पहले से अलर्ट आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से आपके स्मार्टफोन पे आता है तो फ्रेंड्स, जब भूकंप या कोई बाढ़ समस्या इस तरीके की आपदा आएगी तो गवर्नमेंट सरकार आपको पहले ही इस तरीके से नोटिफिकेशन के द्वारा आपके स्मार्टफोन पर इस तरीके से संकेत कर देगा, इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। तो ये मैसेज इसलिए आ रहा है फ्रेंड्स कि चेक कर रहे हैं कि ये सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर 4-5 बेर आ सकता है तो फ्रेंड्स इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यही इसका सही रीजन है। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।